अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद अब्बास गिलानी कनाडा टोरंटो से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मैं 2022 के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि ये साल इंटरनेशनल सतह पर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहूँगा, इसमें बहुत अच्छी बातें होंगी, आपकी दिलचस्पी का बायस बनेंगी और आप खूब इसको इन्जॉय कर सकेंगी। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब पिछले साल मैंने वीडियो डाली थी 2021 के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखने को मिली मुझे YouTube पर, जिसमें तरह तरह के दोस्तों ने बातें की हुई थी कि फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ मुल्क से जंग हो जाएगी, हालात ख़राब होंगे, दुनिया में जंगें होंगी। तो ये वीडियोज़ आम वायरल थी YouTube पर, आप लोगों ने भी देखी होंगी। तो मैंने उस वक्त भी बताया था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, जंग नहीं होगी या कोई जंगें नहीं होंगी। तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं मेरे लिंक में जाके, तो ऐसा ही हुआ। तो मेरा मकसद ये है बात करने का कि अब दोबारा से मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने उसी तरह दोबारा वीडियोस डाली हैं कि जी फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ मुल्क से जंग होगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं गुजारिश ही करना चाह रहा हूँ दोस्तों से, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, सारे अपना अपना इलम डाल रहे हैं अपने अपने तरीके से। कोशिश किया करें कि हकीकत के करीब बात करें, जिससे लोग डिप्रेशन लेने की बजाय इंजॉय कर सकें। कहीं पर कुछ बात होती नहीं तो आप लोग ऐसी ऐसी बातें डाल देते हैं और जो कि डिप्रेशन का बायस बनती हैं। मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने इस दुनिया को भेजा है दुनिया में, तो ये अल्लाह की दुनिया बहुत हसास भी है। आप तो बात करके निकल जाते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच फिक्र वाले लोग हैं, वो बात को फिर बहुत सारे तरीके से सोचते हैं और वो उस बात को डिप्रेशन का बायस बना लेते हैं। तो इस पर क्या होता है कि हसास लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं डिप्रेशन लेने से। तो मैं समझता हूँ, आपसे गुजारिश है, कोई नेगेटिव चीज़ अगर आप देखें भी तो उसको बड़ा पॉजिटिव तरीके से अगर आप बयान करेंगे तो उसमें सुनने वाले आपके जो नाज़रीन हैं या जो हसास दिल रखने वाले लोग हैं वो भी प्यार से सुनेंगे, तो एक हद तक डिप्रेशन कम होगा। तो अब मैं आता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। मैं अब आपको बताऊं जो ख़ास प्लैनेट हैं जिसमें सन है, मून है, और इसके बाद सैटर्न है, मार्स है, वीनस है, यूनस है, प्लूटो है। तो ये अपना सारे जो साइन है ना, इस बात की बिल्कुल कोई इलम नहीं दे रहे। इलम के हवाले से बात कर रहा हूँ, फल्कियात के हवाले से, कि कहीं कोई दुनिया में इंटरनेशनल सतह पर जंग के खतरात नज़र आ रहे हैं। देखें, जब मार्स सैटर्न के साथ अपनी पोजीशन में अपने ही घर में होता है पहले दिन से, तो उससे इंटरनेशनल सतह पर परेशानियां बिल्कुल नहीं होती। जब ये कोरोना आया था उस वक्त मैंने बताया था कि मार्स 2018 से पहले, जब मैंने बताया था 2018 में भी वीडियो डाली थी कि जो ये मार्स है ना, ये अपने घर से सफ़र करके सैटर्न के फेवर में आके बैठ गया। जब मार्स अपने घर से कभी भी फल्कियात की हिस्ट्री या निकलता है तो फिर ख़ासकर सैटर्न की फेवर में आता है, तो वहाँ भी मुश्किलात देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह कोबर से हम गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी 2022 में इसी साल ठीक हो जाएगा, इसका खात्मा होगा। मैं आगे जाके बताता हूँ कब होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इन प्लैनेट्स की रोशनी में देख रहा हूँ कि मार्स और सैटर्न की दोस्ती एक ही घर में शुरू में क्याम पजीर है, और दूसरे जो प्लैनेट हैं ये इनको फेवर दे रहे हैं, ख़ासकर सन पूरी एनर्जी के साथ मून के साथ लेकर फेवर कर रहा है तमाम प्लैनेट्स की। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं पर पूरी दुनिया में जंग नहीं होगी और जंगें होती मुझे नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा जो नाज़रीन दोस्त साहब आप हैं, मुझसे सवाल भी पूछते हैं कि शाह साहब आप ख़ासकर मुल्क के हालात के बारे में बताएं कि 2022 में जो दोस्त कह रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ से जंग होगी, फ़लाँ मुल्क की फ़लाँ से जंग होगी, उसके बारे में आपकी क्या राय। तो कहीं पर भाई साहब कोई ऐसी जंग देखने को मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। जंगें जो होना है वो कोई इतना आसान काम नहीं है, कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, फिर वक्त तो नज़र नहीं आ रही, मगर हर साल बाद देखना पड़ता है सितारों की चाल की मुनासबत से। तो इस साल तो आपको खुशखबरी है कि आप कहीं पर भी दुनिया पूरी में जंगें होती नज़र आपको नहीं आएंगी, नहीं देख पाएंगे। तो उसके बाद मैं बताना ये चाहता हूँ कि लम्हा फिक्रिया क्या होगा मुल्कों के हवाले से। मैं तमाम मुल्कों से के लीडरान से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि होगा क्या आने वाले वक्त में 2022 के हवाले से, ख़ासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या तब्दीलियाँ आएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि प्लैनेट्स की रोशनी में सारी ये मैं बातें बता रहा हूँ, फल्कियात की रोशनी में, जैसा कि
ज़री ज़मीन जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं हम, इसको सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मुल्क ये बहुत बड़े सोसाइटीज़ प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं बनाने के चक्कर में, इनको इजाज़त दे रखी है, तो उसमें यह है कि आप उनको कहिए, कह सकते हैं कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएं, जैसे पूरी दुनिया में लोग आबाद हैं, हज़ारों की तादाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, और आई मीन के यही एक तरीक़ेकार है अपने ज़री ज़मीन को बचाने के लिए। तो देखें, अगर आप 2000 फैमिलीज को आपने घर देने हैं, तो उसको अगर आप लैंड की शक्ल में, प्रॉपर्टी की शक्ल में, ज़री ज़मीन की शक्ल में अगर उसको मकान बनाना पड़े, तो बहुत कई मरबे ज़मीन जो है ना वो प्रॉपर्टी घरों की शक्ल में नज़र हो जाते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मैं 2022 में जो सबसे बड़ी लम्बा फिक्रे की बात है, मतलब वो एक हद तक है, अल्लाह राजक है, कमी किसी चीज़ की नहीं आती, वक्त की मुनासिबत से सारे मामला ठीक हो जाते हैं, मगर मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आप हिला करें और मैं वसीला बनूंगा। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया इसी हिकमत से कि वो उसके इख्तियार में है, अल्लाह ने दिया कि आप राइट चलो या लेफ्ट चलो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुराक की किल्लत 2022 में मुझे बढ़ती नज़र आ रही है, और बहुत ज़रूरी है कि तमाम मुल्कों को अपने मुल्क के आवाम के लिए हर शोबा में खुराक के सिलसिले में कुछ हिकमत अमली बेहतर करें, ताकि आने वाले वक़्त में महंगाई तो है और हो सकती है ये जाकर अगस्त के बाद आपकी हालात नॉर्मल होंगे और महंगाई का भी खात्मा होगा और ये कोविड का सिलसिला भी खात्मा होगा। अब मैं बताना ये चाहता हूँ कि करना क्या चाहिए 2022 में। सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें खुराक के सिलसिले में हर सेक्टर्स में अपने अपने मुल्क के लोगों के लिए काम किया जाए, ताकि किल्लत ना हो खुराक की। तो खुराक की किल्लत होगी तो फिर प्रॉब्लम तो आएंगे, तो इसकी किल्लत नहीं होनी चाहिए खुराक के हवाले से। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि नंबर 2022 में जो प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है मुझे, पानी के, ताज़ा पानी के पीने के हवाले से और मसाइल के हवाले से प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वेदर हालात मौसमियात चेंज होते जा रहे हैं। तो देखने में आया है फल्कियात की मुनासबत से कि दुनिया में पानी का जो मामला है पीने के हवाले से, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। कई ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तरक्की पजीर जो मुल्क है उनको इस मसले में फिक्र करनी चाहिए। उसके बाद मेडिकल के शोबे में बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ, क्योंकि मुल्क आई मीन किसी एक मुल्क की ये ज़रूरत नहीं है, ये तो ओवरऑल तमाम मुल्कों की ज़रूरत है कि मेडिकल के शोबे को प्रमोट किया जाए, इसको बेहतर किया जाए और बढ़ चढ़ कर अपने आवाम को जो सहूलतें हैं वो देनी चाहिए, उसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए। उसके बाद मैं समझता हूँ ज़रूरत ज़िंदगी जो है इंसानों की, उसमें आपको बेहतरी लानी चाहिए, उसमें अच्छा काम करना चाहिए। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि कोई मुल्क भी इस वक्त जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जंग सबसे बड़ी जो जंग इस वक्त चल रही है वो कोविड-19 है। अगर तमाम मालिक अपने अपने मुल्क के लोगों के लिए ये जो जंग जा रही है कोविड की, इस पर काबू पा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी फतह होगी उन तमाम मालिक के लिए। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि नाज़रीन, अब वो वक़्त नहीं रहे कि मेरी नज़र में फल्कियात की रोशनी में भी और ज़मीनी हकायक में भी, देखें साहिब सेहत मुल्क तमाम मुल्कों के साथ प्यार और अमन का तलक रखेंगे, कोई भी मुल्क मेरी नज़र में ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो अवाम के लिए मुश्किल पेश करेंगे। तो हमेशा आजकल तो वक्त यह है कि तमाम साहिब सेहत जो मुल्क हैं गरीब लोग ही सोच रहे हैं, गरीब मुल्कों के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मगर मैं देख रहा हूँ कि आज कल इंसानियत की फेवर में सॉरी काम करने की ज़रूरत है। तो जितने भी साहिब हैसियत ममालिक है दुनिया में, वो बड़ी ज़िम्मेदारी से चाह रहे हैं कि हालात दुनिया के नॉर्मल हो, आमदोरफ्त खुले और बिजनेस जो हर तरह के हैं उसमें बेहतरी आए और आसानियां पैदा हों आवाम के लिए। कोई मुल्क नहीं चाहता कि इस वक्त जो है किसी भी दूसरे मुल्क को, ख्वाब कितना भी नाराज़गी हो, उनको परेशान किया जाए। देखिए जी, बात यह है कि एक वक्त जो कोविड आ चुका है तमाम ममालिक के अंदर, इसको कंट्रोल करना, इसके साथ फाइट करना, ये सबसे बड़ी जंग है। तो मुझे कोई दूर दूर तक जंग होती नज़र नहीं आ रही किसी भी बॉर्डर पर किसी भी मुल्क के साथ। अच्छा जी, उसके बाद मैं देख रहा हूँ
प्लैनेट जो है जो सारे सर्कल में रहते हैं चलते हैं, वो तो मुझे ये बता रहे हैं कि कहीं पर कोई ऐसा देखें। आप गुफ्तगू के हवाले से, मीडिया के हवाले से जो बातें चलती रहेंगी, मगर ये अमलन कोई इसमें जंग की सूरत में कोई बातें नज़र नहीं आ रही। तो रूटीन की बातें तो जैसे ये चलती हैं वो चलती रहेंगी, उससे आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर मुल्क की अपनी अपनी हिकमत अमली होती है, उस मुनासबत से वो बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं नाज़रीन बताना ये चाहता हूँ कि 2022 में किस किस सेक्टर्स में फ़ायदे, कौन से ऐसे कारोबार हैं जिसमें वो उनको बेहतरी मिलती नज़र आ रही है। तो आज थोड़ा सा मैं थोड़ा तेज़ भी बात कर रहा हूँ, उस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, छोटी रहे, इसलिए थोड़ा सा आज मैं स्पीड के साथ भी गुफ्तगू कर रहा हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ कि जो बात भी करूँ वो आप तक मेरा मैसेज क्लियर पहुँच सके। तो 2022 में जो बिज़नेस बेहतरी में रहेंगे, जो अच्छा पैसा बनाएंगे पहले से बेहतर, उसमें नंबर एक है प्रॉपर्टी से मतलब, और प्रॉपर्टी के जो लोग हैं ये पूरी ऑल द वर्ल्ड जो है ये महंगी भी होंगी, जिन्होंने खरीदी उनको फरोख्त करने में अच्छे पैसे मिलेंगे, और जिन जो लोग ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी लेंगे तो आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी उनके लिए खूब पैसा बना के देंगी। उसके बाद जो बिल्डर्स लोग हैं, बहुत बड़े ठेकेदार, उनके लिए ये आइडियल टाइम है, वो अगर घर बनाएंगे तो या बिल्डिंग्स बनाएंगे या जिस तरह से भी वो काम करेंगे, तो बिल्डर्स के हवाले से जो भी काम करेंगे उनको फ़ायदा है। उसके बाद फूड के हवाले से जो बिज़नेस है, खाने पीने से मतलब का, जो जितनी भी ज़रूरत है ज़िंदगी है इंसानियत की, उसमें पेशरफ रहेगी, उसमें बेहतरी रहेगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के, वो बिल्डर्स की बात एक ही है, कंस्ट्रक्शन के मतलब का जो सामान है उसमें भी कामयाबी होती नज़र आ रही है, और इसमें भी खूब पैसा कमाया जाएगा। उसके बाद सबसे अच्छा मज़ीद जो बिज़नेस है मेरी नज़र में 2022 में रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक से मुराद जो भी चीज़ें बनती हैं वो बड़ी कमाल फ़ायदा देंगी, अच्छा प्रॉफिट देंगी, तो इलेक्ट्रॉनिक के शोबे में भी आपको ज़िम्मेदारी से ध्यान देना चाहिए ताकि आप अच्छे पैसे बना सकें। इसके बाद नाज़रीन जो बिज़नेस थोड़े से सुस्त रह सकते हैं, जिसमें ये नहीं मैं कह सकता कि बिज़नेस फ्लॉप हो गए, फ्लॉप की शक्ल में मैं बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि जो बिज़नेस सोसो रहेंगे, मतलब आपके अखराजात तो पूरे करेंगे और आपको फ़ायदा भी देंगे, मगर फ़ायदा उस तरह से जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है शायद उसमें थोड़ी कमी रह जाए, मतलब अगर 100% आप चाहते हैं तो उसमें कुछ परसेंट नीचे चल जाए, 70-60% आपको फ़ायदा मिलता रहेगा, मगर ये है कि ये डेड नहीं होंगे, बिज़नेस फ़ायदे में रहेंगे और आपको अच्छा फ़ायदा देंगे, मगर यह है कि जो बिज़नेस मैंने मैंने बताए हैं पहले उससे ये थोड़ा लो रहेंगे, और इसमें जो जो रेट है, रेटिंग है प्रॉफिट की, उसमें कमी रहेगी। उसमें नंबर एक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बिज़नेस है, इसमें भी सुस्ती रहेगी, मगर ये चलेगा दौड़ेगा, मगर उसमें थोड़ा सा पैसों के हवाले से थोड़ा सो बिज़नेस रहेगा। अब मैं ये बताऊँगा ये 2022 में बेहतर किस महीने में होगा, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताऊँ कुछ प्लैनेट ऐसे हैं वो जो मुझे बता रहे हैं, उसमें आसपास से बता रहा हूँ। उसके बाद ये टिकटिंग का जो शोबा है जिसको हम जहाज़ों के बदल कर कहते हैं, उसमें भी कमी रहेगी, उसमें भी बहुत ज़्यादा तरक्की सो रहेगा। उसके बाद अगर देखें तो एयरलाइंस के हवाले से भी मुनासिब रहेगा, सो रहेगा बिज़नेस दुनिया में। उसके बाद अब पोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ी बेहतरी होगी, मगर सो रहेगा, मगर मैं अब आपको बताता हूँ ये जो मैंने चार आपको बिज़नेस बताए हैं ये आपके जो बिज़नेस हैं ये जून के बाद 27 जून के बाद ये कारोबार, क्योंकि आपका जो मार्स है और जो आपका सैटर्न ये तो अपने घर में रहेंगे सन और मून की फेवर में, ये बिल्कुल आएंगे 11th के घर में, तो 11th के घर से जाने से पहले जब सैटर्न और मार्स अपनी पोजीशन में वापस पांचवें घर में आएंगे, तो मैं समझता हूँ उस मुनासबत से जब सैटर्न की और मार्स की मौजूदगी 5th के घर में होगी तो फिर जून के बाद इसका बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये भी जो है बिज़नेस मैंने बताए हैं ये इसी तरह अच्छे हो जाएंगे जैसे मैंने पहले बताए, मगर ये पहले 4-5 महीने वेटेंसी और सुस्त पे रहेंगे, उसके बाद हालात बेहतरी में जाएंगे।
तो ये थी बातें नाज़रीन, आपको मैं हकीकत के करीब आपको बातें बताता हूँ, मैं वो बात करता हूँ जो आप टैली करेंगे तो इंशाल्लाह वक्त के साथ ठीक होंगे। अब मैं आपको बता दूँ ये COVID-19 के हवाले से मैं आपको खुसूसी तौर पर बताता हूँ। कुछ दोस्त ने कहा था शाह साहब जी इसका ज़रूर आप बात करें, मैंने खुद अपने फैमिली के साथ ये वैक्सीनेशन करवाई है। यहाँ के जो कनाडा के डॉक्टर्स हैं मेरे मिलने वाले हैं, बड़े प्यार करने वाले हैं, मेरे बहन भाइयों जैसे तलाकात बने उनके साथ, उनके साथ मशावरत में पहले मैं थोड़ा था कॉन्शियस था, फिक्रमंद था, तो मैं नहीं लगाया था या नहीं लगा रहा था। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुतमिन किया, उनका शाह साहब ये अगर आप लगाएंगे तो फ़ायदा है, ना लगवाएंगे तो फ़ायदा नहीं है, तो लिहाजा उसके बाद हमने सारे बच्चों तक ने वैक्सीनेशन करवाई। इवन वो मेरे बच्चा जो 5 साल से बड़ा उसको भी, जो 11 साल से बड़ा उसको भी, कि ये लगवाना बहुत ज़रूरी है, इससे कोई परेशानी नहीं, इससे सेहत को फ़ायदा होता है, आपकी विल पावर से लेकर तमाम बॉडी में जो पॉजिटिव सब कुछ अच्छा होता है, नुकसान वाला कोई बात नहीं। अगर ये आप लगाएंगे तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा और लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो नया एक इंजेक्शन आ रहा है तीसरा, तो उसको भी लगवाएं, बिल्कुल इस फिक्र से निकल जाएं। देखें यहाँ कैनेडियन डॉक्टर्स की रिसर्च और उनके मशावर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ ईच एंड एवरीथिंग बंदा इंजेक्शन लगा रहा है, कोई बंदा इंजेक्शन के बगैर ये नहीं रहे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के कानून लॉ बहुत अच्छे हैं। आप रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, बैठ के खा सकते, आप सफर में प्रॉब्लम्स आपको, और दीगर बड़े मसाइल हैं, तो दीगर मसाइल से बचने के लिए भी ज़रूरी है आपको वैक्सीनेशन, और वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मुख्तसर बात यह है कि कोविड वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी फैमिली के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेरा एक मैसेज था आपको, और मैं ओवरऑल मैंने आपको बताया कि 2022 का जो साल है ये अल्लाह ताला के फजल करम से आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं होगी, लिहाजा आप कोशिश करके इसको वैक्सीनेशन करवाएं ताकि आपका मामला ठीक रहे। तो नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आप मेरे प्रोग्राम देखते हैं, आप मुझे कमेंट्स लिखते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी और मालूमाती वीडियोस देखना चाहें तो मेरे कमेंट्स पे मुझे ज़रूर लिखा करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।